हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल आरबी ऑटोमोबाइल पर। तो आज के इस वीडियो पे दोस्तों हम लोग होंडा की नई स्कूटी होंडा डियो एच स्मार्ट को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं होंडा की एक्टिवा एच स्मार्ट से। तो आज के इस वीडियो पे दोस्तों हम लोग इन्हीं दोनों मॉडल्स को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके आप लोग को बताने वाले हैं कि इन दोनों स्कूटी पर जो आप लोग को क्या कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोग को प्राइसिंग में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है, फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस है, इसके अलावा जो है इंजन वगैरह में क्या कुछ डिफरेंस है, उसी के बारे में आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग को बताने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोग को इन दोनों स्कूटी में से कौन सी स्कूटी को 2023 में लेनी चाहिए उसके बारे पे भी आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक और स्कूटी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्राइसिंग डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर एक्टिवा की, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है दोस्तों वो लगभग आप लोग को 1,00,000 रुपए के आसपास में देखने को मिलेगा एच स्मार्ट वाला वेरिएंट का। बाकी बात करी जाए दोस्तों होंडा डियो की, तो होंडा डियो का जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा वो लगभग आप लोग को 98,000 रुपए के आसपास में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो 2,000 रुपए ज्यादा महंगा आप लोग को एक्टिवा देखने को मिलेगा। तो आगे वीडियो को दोस्तों आप लोग देखते रहिए, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि 2,000 रुपए आप लोग को ज्यादा देकर जो है एक्टिवा लेनी चाहिए या फिर आप लोग को 2,000 रुपए बचा के आप लोग को होंडा की डियो लेनी चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग इन दोनों स्कूटी की फीचर्स के डिफरेंसेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को इन दोनों स्कूटी पे जो है लगभग आप लोग को सिमिलर ही फीचर्स देखने को मिलेगा। सिर्फ आप लोग को दोस्तों एक ही फीचर्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि है दोस्तों मीटर कंसोल का। आप लोग को एक्टिवा पे दोस्तों फुल्ली एनालॉग का मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिस पर कि दोस्तों आप लोग को नॉर्मल बेसिक ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन दोस्तों डियो पे जो है आप लोग को फुल्ली डिजिटल का मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिस पर दोस्तों आप लोग को काफ़ी सारे और भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे कंपेयर टू यहाँ पर जो है एक्टिवा के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को इन दोनों स्कूटी पर जो है एग्जैक्टली सभी फीचर्स सेम ही मिलेंगे। जैसे कि आप लोग को सबसे पहली बात तो एच स्मार्ट वाला फीचर्स आप लोग को दोनों स्कूटी पे मिलेगा, जो कीलेस वाला फीचर है वो आप लोग को दोनों में ही मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को दोनों स्कूटी पे जो है एलईडी का हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ जो है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों स्कूटी पे दोस्तों आप लोग को सेफ्टी वाइज साइड स्टर्न इंजन कट ऑफ सेंसर तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप लोग को स्कूटी पे जो है अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हम लोग इंजन के बारे में, तो इंजन भी दोस्तों आप लोग को दोनों स्कूटी पे जो है सिमिलर ही देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को 109.51 सीसी का आप लोग को एयर कूल वाला इंजन देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों BS6 फेज 2 वाला इंजन है। यानी कि दोस्तों दोनों स्कूटी पे आप लोग को OBD2 सेंसर भी मिलेगा, साथ ही साथ दोनों स्कूटी पे दोस्तों आप लोग E20 यानी कि 20% जो एथेनॉल वाला फ्यूल होता है उसको भी आप लोग यूज कर पाएंगे। बाकी दोस्तों आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप लोग को दोनों ही एच स्मार्ट वाले वेरियंट पे जो है किक स्टार्ट देखने को नहीं मिलेगा। बाकी माइलेज के बारे में बात करी जाए तो लगभग दोस्तों आप लोग को 45 से 50 km तक का जो है दोनों स्कूटी पे माइलेज देखने को मिल जाएगा। बात करी जाए दोस्तों यहाँ पर जो है पावर फिगर्स के बारे में, तो 7.73 bhp तक की पावर देखने को मिलेगी और 8.9 Nm तक का आप लोग को टॉर्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को इन दोनों स्कूटी पे जो है कुछ ये सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। लगभग जो है दोनों स्कूटी पे आप लोग को सभी चीजें जो है एग्जैक्ट सिमिलर ही देखने को मिलेगी। बाकी अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों की इन दोनों स्कूटी में से जो है आप लोग को कौन सी स्कूटी को लेनी चाहिए 2023 में। सो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आप लोग को वैल्यू फॉर मनी वाइज बताऊँ तो वो दोस्तों होंडा की डियो ही होने वाली है, क्योंकि दोस्तों होंडा डियो के लिए जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को 2,000 रुपए कम पे करना है। इसके अलावा आप लोग को होंडा डियो पे जो है ज्यादा फीचर्स भी मिल रही है, तो मेरे हिसाब से तो होंडा डियो जो है वैल्यू फॉर मनी है। बाकी आप चाहें तो होंडा की एक्टिवा को भी ले सकते हैं। तो अब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए दोस्तों कि आप लोग जो है इन दोनों स्कूटी में से कौन सी स्कूटी को लेने वाले हैं 2023 में। नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।